यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पानीपत के बापोली गांव के जेल सिंह ने अपना सपना कुछ इस तरह पूरा किया जिससे पूरा गांव देखता ही रह गया। जेल सिंह का सपना था कि वे अपने बेटे की दुल्हनिया उड़न खटोला पर लेकर आए। हुआ कुछ ऐसा ही कि जेल सिंह का बेटा और बहू दोनों हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंचे जिसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। रेलवे में फर्जी बैग गारंटी पर 40 करोड़ का मामला दर्ज होने की खबर सामने आई है। इससे रेलवे के सभी अफसरों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे में फरीदाबाद के देना बैंक के अधिकारी भी बराबर के हिस्सेदार बने हैं। कंपनी को रेल विद्युतीकरण का करीब 40 करोड़ का टेंडर दिलाने के लिए बैंक ने 4 फर्जी बैंक गारंटी पर मोहर लगा दी है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 1 पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। सरियों से भरे ट्रक को सड़क के किनारे पर लगाते समय उसके बिजली की तारों से टकराने से उसमें करंट आ गया और जैसे ही ट्रक चालक ट्रक से उतरने लगा तो वो भी इस करंट के कारण झुलस गया जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। SYL नहर निर्माण के मुद्दे को लेकर इनेलो जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा जिससे हरियाणा में राजनीतिक गरमाने की संभावना है। इनेलो 1 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगा। अगले साल होने वाले चुनाव में इनेलो SYL निर्माण को एक मुद्दा बनाना चाहता है। पंजाब और हरियाणा में 1 अप्रैल से शराब की हर खरीद पर उसका बिल देना होगा। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को आदेश दिया है कि शराब की हर बिक्री पर उपभोक्ताओं को बिल देना चाहिए। इस आदेश के बाद से शराब को खरीदने वाले हर उपभोक्ता को बिल मिलेगा। हाईकोर्ट ने ये आदेश हरमन सिद्धू की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।